2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने माउंटेनियरिंग फोर्स बनाई थी हिंदुस्तान की, जो हिंदुस्तान के चीन के बॉर्डर की रक्षा के लिए बनी थी, उसमें 60,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। उसमें जो है वही सैनिक आज लड़ रहे हैं। तो ये जो बार बार ये बात में कह देते हैं कि जो कर रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं, उससे पहले तो देश जो है गुलाम की तरह पीछे खड़ा था। सेना का मनोबल किसी के एक वक्तव्य से नहीं गिर सकता। सेना जो है हमेशा अपने मनोबल पे, अपनी जो उसकी ट्रेनिंग है, अपना जो उसका हौसला है, वो कोई भी ताकत, चाहे सेना हार जाए तब भी उसकी ताकत को आप नहीं गिरा सकते, मनोबल को नहीं गिरा सकते। हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा को, आत्मसम्मान को, या लोगों के अंदर की जो गरूर है उसको जो ठेस पहुंचाई है, आरएसएस उसे कवर अप करती है। आरएसएस ने कहा कि भाई चीन को जो है हमें चाहिए कि हर तरह से हम चीन का हाल क्या करें, हम उसे भुला दें। इश्क में आशिकों की एक पुरानी फितरत रही है कि जिसको इश्क करते हैं और वो नहीं मिलती तो कहते हैं जा हमने तेरे को दिल से उतार दिया, भूल गए, भूल गए। आरएसएस के जो जितने भी ऑर्गन्स हैं या जितने भी स्वयंसेवक हैं, वो सिर्फ जो प्रचारक जी होते हैं उनकी बात को दोहराते हैं और दोहरा के समझते हैं यही दुनिया का आखिरी सच है। दोस्तों आदाब, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस के बैनर से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ हैं रविंदर कुमार जी, प्रसिद्ध वकील हैं, एक्टिविस्ट हैं, और आप हमारे चैनल पे इनको हर हफ्ते देखते हैं, हफ्ते में कभी कभी दो बार भी आ जाते हैं जब ज़रूरत पड़ती है अच्छे कमेंट्स की। बड़े धाकड़ किस्म के पॉलिटिशियन भी हैं। आपका खैर मकदम है, स्वागत है रविंदर कुमार जी हमारे चैनल पे। आप आते रहते, ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो हम लोग इंटरव्यू लेते हैं वो वायरल होकर कभी कभी हमारे पास ही आ जाते हैं, तो इतना पसंद किए जा रहे हैं आपके। लेकिन आपसे अब मैं यहाँ पे एक सवाल करूँ, पसंद नापसंद के ऊपर, के देश की बात चल रही है कि चीन ने जो कुछ किया है किया है। हम बहुत दिनों से देख रहे थे कि आरएसएस का इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, हम इसको वाच कर रहे थे। क्या आरएसएस क्यों नहीं बोली, पित्र संस्था है आप जानती हैं आरएसएस से, वैसे कहने से मजाक में करूँ बोला आपकी दोस्ती बहुत पुरानी रही है आरएसएस से। तो ये क्या बात है, अभी उनका बयान आया है, टेलीग्राफ अखबार ने उस बयान को छापा है कि वो कह रहे हैं कि वो तो उसकी बात नहीं कर रहे कि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं और सारा कुछ, वो कुछ नहीं कह रहे हैं। उनका जो बयान है अंग्रेज़ी में है, लेकिन उसमें है कि मारे गए, उसमें ये भी नहीं है, मार्टर भी नहीं रखा कि मारे शहीद हुए हैं। वो कह रहे हैं उनको भूल के हमें चीन को आइसोलेशन में कर देना चाहिए। तो इसका क्या मतलब देते, क्योंकि आरएसएस को आप बहुत करीब से बात करते हैं, बहुत करीब से जानते हैं, और कभी आपने बताया था कि आप आरएसएस की शाखाओं में भी जाते थे, तो हमने वो छोड़े, वो कभी किस साहब से कहलवाएंगे। तो ये स्टेटमेंट आया, मोहन भागवत का भी है उसमें, वैद जी का भी उसमें नाम है, और यहाँ तक कि इसका जो ऑर्गेनाइजर के एडिटर हैं उन्होंने भी इस बात को तायद की है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। आपकी क्या राय है इस मामले में? स्थिति जो है आरएसएस के बारे में आप समझिए जी, वो आरएसएस जो है कई रणनीतियों के हिसाब से चलती है, और आरएसएस का जो पूरा पैटर्न है सोचें समझने का, वो हिटलर की नाजी पार्टी के तरह चलता है। तो आरएसएस का एक बड़ा विचित्र सा एक काम करने का तरीका है, जब वो स्वयंसेवकों को कुछ बताना चाहते हैं तो उनका एक वन लाइनर होता है, वो कहते हैं सूचना आई है सोचना बंद कर दो। अच्छा। यानी कि आदेश आ गया है, अब सोचो मत, दिमाग मत लगाओ, आप सिर्फ टेप रिकॉर्डर की तरह उस बात को रिपीट करते रहो। तो आरएसएस के जो जितने भी ऑर्गन्स हैं या जितने भी स्वयंसेवक हैं, वो सिर्फ जो प्रचारक जी होते हैं उनकी बात को दोहराते हैं और दोहरा के समझते हैं यही दुनिया का आखिरी सच है। अब सवाल यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच, वो भारत और चीन के बीच जो झगड़ा हुआ उसके बारे में जो इस समय चर्चा है, एक चर्चा तो यह है कि हमारी किसी एक इन ज़मीन पर कब्जा नहीं हुआ, वो मोदी जी ने कहा खुद, उन्होंने कन्फेस, हमारी किसी पोस्ट पे कब्जा नहीं हुआ, आए नहीं हुए यहाँ पे, गलवान घाटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, पनांग झील है नहीं, नहीं। वहाँ पर सैनिकों में कोई झगड़ा नहीं हुआ, हमारे जो फौज के 20 आदमी नहीं मारे गए, नहीं मारे, हमारे 76 जवान जो है घायल नहीं हुए, हमारे 10 जो जवान हैं उनको चीनी पकड़ के नहीं ले गए, भारत के 138 करोड़ लोग जो मूर्ख हैं और सब चंगा से, यानी जो मोदी जी ने कह दिया है उसे देश मान ले कि सूचना आई है सोचना बंद कर दो, सूचना बंद। अब दिक्कत क्या होती है कि लोग जो है हिंदुस्तान के वो सोचने लगते हैं। अब जैसे आरएसएस ने सोच लिया, आरएसएस ने कहा कि भाई चीन को जो है हमें चाहिए कि हर तरह से
हम चीन का हाल क्या करें, हम उसे भुला दें। इश्क में आशिकों की एक पुरानी फितरत रही है कि जिसको इश्क करते हैं और वो नहीं मिलती तो कहते हैं जा हमने तेरे को दिल से उतार दिया, भूल गए। लेकिन दुनिया जो है भूलने पे तो नहीं चलती। चीन एक मुल्क है, भारत एक मुल्क है, दुनिया एक हमारे सामने यथार्थ है, और हम कहें जी हम जो है आँख बंद कर लें जैसे बिल्ली। तो जैसे कबूतर होता है वो ये सोच रहे कि बिल्ली तो है ही नहीं और आँख बंद कर लें, तो बिल्ली नहीं मानेगी कि कबूतर नहीं है, वो तो खा जाएगी, उसका तो मौका मिलना है। तो इसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल भाषा में या राजनीतिक भाषा में आपने समर्पण कर दिया। तो आरएसएस जो है, जो मोदी जी ने हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा को, आत्मसम्मान को या लोगों के अंदर की जो गरूर है उसको जो ठेस पहुँचाई है, आरएसएस उसे कवर अप करती है। आप ये समझोगे कई बार आपको लगेगा मोदी जी कुछ बोल रहे हैं और आरएसएस कुछ बोल रही है। जी जी। तो ये नहीं है कि ये जो है अनजाने में हो रहा है, ये जानबूझ के बोलते हैं। अच्छा। कि जो सवाल, जो स्पेस गैप मोदी जी ने क्रिएट कर दिया है उसको कवर करने के लिए कांग्रेस जो है सवाल ना करे, तो ये करते हैं कि हम ही सवाल कर लेते हैं। अच्छा। तो कांग्रेस को डिफीट करने के लिए ये उनकी एक पुरानी रणनीति है, और उस रणनीति में वो हमेशा ये सोचते हैं कि देश की जनता को हमने बहला दिया है, उन हमारे स्वयंसेवक है पूरी दुनिया में बात फैला देंगे, और फैलाने के बाद वो समझेंगे कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। लेकिन क्या आप और हम ही नहीं, आरएसएस ही नहीं, क्या हिंदुस्तान, क्या अमेरिका, क्या रूस आज के दिन चीन के बारे में सोच सकते हैं कि चीन नाम का कोई देश नहीं है? चीन कोई छोटा सा देश नहीं है, सूरी नाम जैसा देश हो या हम कहें कि फिजी जैसा देश है जिसके बारे में लोग नहीं जानते। चीन जो है जीती जाती हकीकत है। आप बाजार में जाओगे आपको हर चीज में लिखा होगा मेड इन चीन, तो हर जगह आपको चीन मिलेगी। मेरे हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके घर में अगर पंखा है, आपके घर में अगर फ्रिज है, आपके घर में अगर टीवी है, जी, जी, सब पे लिखा है कि चीन है चीन। तो आप कैसे भूल सकते हो कि चीन नाम का कोई देश है? जी जी। तो ये आखिर एक चीज़ हमें देख रहे हैं, तो क्या इसी तरीके का ये भी नैरेटिव है भुलाने की चीज़ कि जो कुछ हो गया हमारी फौजों के साथ, जिस तरीके से हमने डिफीट खाई है, उसके बाद एक मूवमेंट चला कि चीनी सामानों का बहिष्कार किया जाए। उसमें मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर आरएसएस या बीजेपी से जुड़े हुए ट्रेडर्स जो हैं वो आगे आ रहे हैं। जैसे कि दिल्ली की बात करें हम, दिल्ली के सदर बाज़ार के खंडेलवाल जैसे लोग, आप तो हमसे बेहतर उनको जानते हैं कि सब उसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वो निकल रहे हैं बाज़ारों में कि चीनी सामान का बहिष्कार करो, ये करो। तो ये भी भुलाने की एक चीज़ में आ गया जिसमें उस मसले से बात हट जाए जो मोदी जी ने कहा उससे हट जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग जो है ये चाहते हैं कि चीन और भारत के बीच जो खूनी संघर्ष हुआ जिसमें हमारे 20 सैनिकों की शहादत हुई, तो उसको लोग भूल जाएं, और हम ये कहें कि चीन से हम जो है ये व्यापार का झगड़ा है, दो व्यापारियों के बीच का झगड़ा है, माल और रसद को बेचने का झगड़ा है, तो आप उसे भूल जाएं, और भूलने के बाद ये लगे कि लोगों को कि झगड़ा जो है ये है और हमारा झगड़ा सैनिकों वाला झगड़ा नहीं, सीमा पर कोई झगड़ा नहीं है। तो उस झगड़े से आपको भुलाने के लिए ये चीनी सामान के बहिष्कार की बात हो रही है। लेकिन चीनी सामान के बहिष्कार के लिए सबसे बड़ी बात है कि सामान खरीदने आप और मैं तो चीन नहीं जाते, नहीं, हमें तो बाजार में मिलता है तो हम खरीदते हैं। बाजार में क्यों मिलता है? क्योंकि गवर्नमेंट की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी है जिसे एग्जिम पॉलिसी कहते हैं। जी जी। जब बंदरगाह से सामान आता है हमारे आदमी खरीदते हैं, उस पर टैक्स देते हैं, तो भी खरीदा जाता है। तो ये कहना कि छोटी छोटी बातें करना कि भाई चीन का सामान मत खरीदो, तो ये वो कहावत है कि अगर मैं आपके बाल नोच लूँ तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होता, नहीं, तो ये बात ये कहावत है, घटिया सी कहावत है कि मुर्दे का वजन कम नहीं होता। लेकिन ये मुर्दे का वजन कम करने की जो बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नाखून कटा के शहीद बन जाओ, तो नाखून कटा के कोई शहीद नहीं बनता, गर्दन कटा के तो शहीद होता है। तो ये जो है देश की जनता को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि जनता जो है जल्दी से जल्दी इस बात को भूल जाए। तो लेकिन इसका रिएक्शन क्या, आगे क्या होगा? कि ये तो देश के लिए बड़ी ख़तरनाक बातें हो रही हैं। अच्छा, आप जानते हैं कि आरएसएस का तो एक पूरा का नेटवर्क है, यानी जैसा कहा जाता है कि हर दूसरे तीसरे घर में एक आरएसएस का वर्कर बैठा हुआ है, शाखा लग रही है वहाँ पे। तो ये उनका तो मीडिया पब्लिसिटी मीडिया, तो अब जो बात आई है कि आइसोलेशन में, तो क्या अब ये बात जनता से निकल जाएगी कि अब चीन ने जो कुछ किया वो गलत नहीं किया, हमने चीन को सबक दे दिया, आइसोलेशन में भेज दिया चीन? देखिए, हिस्ट्री के घाव जो हैं, वक्त के घाव जो हैं, वो आसानी से नहीं भरते। 1962 में हम चीन से हारे हैं, हमारे घाव जो है वो हरे हैं आज तक हैं। हमारा जो झगड़ा पाकिस्तान से हुआ 65 में, 71 में हुआ, वो चीज़ें हमें आज भी याद हैं। तो हमारे इतिहास में या हिस्ट्री में जो चीज़ें हैं, तो
उसके बारे में मुझे एक शेर याद आता है अकबर इलाहाबादी का कि देखी जो हिस्ट्री तो मुझे कामिल यकीन आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। कि मरना अगर आपको आता है तभी आप जी सकते हैं। जी सकते हैं, यानी जब आप शांति चाहते हैं तो उसके लिए आपको युद्ध की तैयारी करनी होगी। अगर आप युद्ध की तैयारी नहीं करेंगे तो आप शांति से नहीं रह सकते। अब सवाल ये होता है कि जब ये हमारी जो सरकारें हैं, हमारी जो मीडिया है, या हमारा जो या प्रचार तंत्र है, या जो अफवाहें फैलाने वाला तंत्र है, ये समझता है कि आप जो है 15 जून की रात को लद्दाख में जो वैली में जो हुआ उसे भूल जाए, तो उसे हम भूल नहीं सकते और उसे हमें याद रखना पड़ेगा, और उसके लिए हमें बैठकर ये तय करना होगा कि हम क्या करें। बार बार ये जो है, जैसे कांग्रेस सवाल करती है या मेरे जैसा आदमी सवाल करता है या कोई भी समझदार आदमी सवाल करता है, तो ये कहते हैं इससे जो है सेना का मनोबल कम हो जाता है। सवाल की सवाल पूछते ही नहीं। अब सवाल ये है कि सेना का मनोबल सवाल पूछने से तो नहीं खत्म हो सकता। सैनिक जो है वो अखबार पढ़ के अपनी राय नहीं बनाता कि अखबार पढ़ लिया और ये बना ली राय कि भाई मेरे बारे में लोग बड़ी बुरी राय बना रहे हैं। सेना का काम है बॉर्डर पे रहना, सेना का काम है देश की सुरक्षा करना, और सेना का काम है कि अपनी आन बान शान को कायम रखना, जिसको रखती है और वो रखती है, रखती अपना है। संघर्ष करती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, लोगों को याद नहीं है कि अक्टूबर 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने माउंटेनियरिंग फोर्स बनाई थी हिंदुस्तान की, जो हिंदुस्तान के चीन के बॉर्डर की रक्षा के लिए बनी थी। उसमें 60,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। उसमें जो है वही सैनिक आज लड़ रहे हैं। तो ये जो बार बार ये बात में कह देते हैं कि जो कर रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं, उससे पहले तो देश जो है गुलाम की तरह पीछे खड़ा था, देश जो है लड़ने की हालत में नहीं था। जबकि जो अगर इतिहास में भूलें जो हैं और जो अच्छाइयाँ हैं या विक्ट्री हैं वो सबकी होती हैं। जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो पता चलेगा कि 23 जून 2003 को हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हैं वो चीन गए थे, और तब उन्होंने कहा कि तिब्बत जो है वो चीन का हो गया। अब तिब्बत चीन के होने से क्या हुआ कि चीन के एक दबी हुई नब्ज थी जो हमारे हाथ में रहती थी, जी जी। वो जैसे ही वो हमारे बारे में कुछ कहता था हम कहते थे कि हम तिब्बत को स्वायत्त क्षेत्र मानते हैं, ये ऑटोनोमस एरिया है, तुमने इस पर कब्जा कर लिया। लेकिन जो है अटल बिहारी वाजपेयी के झोंक में ये कर गए, उसकी याद ना लोगों को आए। वैसी तो नहीं जैसे मोदी जी झोंक में कह गए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी मतलब बीजेपी का पूरा का कल्चर है क्या? कल्चर नहीं, ये लोग जो है सोचते हैं कि हम जो है नशे में कुछ भी कर दें और वही देश को मरना पड़ता है। तो राजा की जो गलत आदतें होती हैं उससे देश को नुकसान होता है। और मैं माओ का एक वाक्य आपको ये दिलाना चाहूँगा कि माओ हमेशा कहते थे कि जो वॉर है, युद्ध है, जो वो राजनीति है लगातार, और वो युद्ध और राजनीति को बराबर मानते थे। और चीन में भी आप देखेंगे वो दो कदम आगे बढ़ेगा, फिर वो शांति की बात करेगा, फिर क्रॉलिंग करके फिर आपके क्षेत्र में घुस जाएगा, फिर शांति की बात करेगा, आधा कदम पीछे आ जाएगा, फिर एक कदम आगे बढ़ेगा। तो चीन की पॉलिटिक्स यही है पूरी दुनिया में कि वो जो है हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है। वो ताइवान पे हमला कर देता है, वो ताइवान को धमका के रखता है, वो जापान के एक द्वीप पे नकली द्वीप बना के उस पर कब्जा कर लेता है, फिर वो कहता है जी मैंने ऑस्ट्रेलिया के द्वीप पे कब्जा कर लिया। तो चीन जो है हमेशा युद्ध की स्थिति में रहता है, और हमारी जो सरकार है वो लोगों को चाहती है कि लोगों को ना पता चले, लोग भूल जाएं, जैसे हमने अफीम खा ली है वैसे ही जो है बाकी लोग भी अफीम खा लें। तो जब भी कोई सवाल होता है सरकार की तैयारी ना होने पे, सरकार के बदला ना लेने पे, तो ये लोग जो है खड़े होकर जो है शोर मचाने लगते हैं और झाऊं झाऊं करते हैं कि जैसे सेना का मनोबल गिर रहा है। सेना का मनोबल किसी के एक वक्तव्य से नहीं गिर सकता। सेना जो है हमेशा अपने मनोबल पर, अपनी जो उसकी ट्रेनिंग है, अपना जो उसका हौसला है, वो कोई भी ताकत, चाहे सेना हार जाए तब भी उसकी ताकत को आप नहीं गिरा सकते, मनोबल को नहीं गिरा सकते। आप एक बात बताइए कि एक ज़माने में मोहन भागवत का बयान आया था कि 4 दिन के अंदर हम आरएसएस को तैयार करके बॉर्डर पर भेज सकते हैं, तो वो 4 दिन तो काफ़ी दिन पहले निकल गए हैं, और मोहन भागवत अभी बयान दे रहे हैं कि आइसोलेशन में भेजो उसको, युद्ध कोई हल नहीं है। और हम पहले से कह चुके हैं, इवन जो स्वदेशी जागरण मंच है उसने भी कह दिया कि हम तो चीन का सामानों का बायकॉट बहुत दिनों से कह रहे थे कर देना चाहिए चाहिए। अच्छा चाहिए तो किया क्यों नहीं? आप तो बहुत बड़ी सबसे बड़ी संगठन है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी गिराई स्वदेशी जागरण मंच चल के। तो ये जो लफाजी चल रही है आरएसएस के जो स्टैंड इस तरीके से हो रहा है, क्योंकि लोगों में आम धारणा सी अभी तक ये है कि बीजेपी झूठ बोल सकती है, आरएसएस झूठ नहीं बोल सकता है। ऐसा है जिसका जन्म ही झूठ से हुआ है, आप कहेंगे ये झूठ नहीं बोल सकती, ये ही अपने आप में मुगालता गलत है। आरएसएस जो है सुबह शाम दोपहर उसको एक कहानी हम कहते हैं कि ये जो है झूठ की फैक्ट्री है, और जो चीज़ झूठ की फैक्ट्री है वो कभी जी झूठ नहीं बोल सकती, वो झूठ के अलावा कुछ बोलते ही नहीं। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आरएसएस चाहती है कि देश जो है 15 जून की रात को जो हमारा अपमान हुआ है उसको हम भूल जाएँ। अपमान को कभी नहीं भूलना चाहिए, वही आपकी ताकत होती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि चाणक्य का जब अपमान किया था
नंद वंश ने, नंद वंश तो चाणक्य ने शिखा खोल के कहा था कि मैं इसका समूल वंश करूंगा। गांधी जी को जब डरबन में ट्रेन से उतार दिया जी, जी, तो जी। गांधी जी ने सारी रात बैठ के सोचा कि मैं इस अपमान का बदला लूंगा। इसी तरह आप देखेंगे उधम सिंह ने देखा कि जब जनरल डायर ने हमारे लोगों को जो है जलियांवाला बाग में मार दिया, तो जनरल डायर को मारने के लिए उधम सिंह ने कहा कि मैं वहां जाके मारूंगा, और उसने उसको 21 साल बाद जाकर जो है जाके मारा। तो ऐसा होता है, अपमान को याद रखना ही आपकी ताकत है, और जब आप अपमान को याद रखते हैं तभी आप तैयारी करते हैं, और तभी आप जो है दुनिया को ये दिखाते हैं कि आप क्या चाहते हैं। जैसे मुझे एक बिस्मिल की एक नज़्म हमेशा याद आती है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, और एक मिट जाने की हसद अब दिले बिस्मिल में है, कि अब न अहले बलबले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसद अब दिले बिस्मिल में है। तो हिंदुस्तान के 138 करोड़ लोग जो है बिस्मिल की इस नज्म को मानते हैं, और हम चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन नेतृत्व जो है मोदी जी को करना है, क्योंकि वो सरकार में है, पॉलिसी जो है उनको बनानी है, पॉलिसी जो है आरएसएस के नेता जो समझते हैं कि हमारे इशारे पे हिंदुस्तान चलता है उनको बनानी है, उनको आज ये फैसला कर लेना चाहिए, कह देना चाहिए कि हम चीन के सामान को इस्तेमाल करेंगे तो समझिए हम जहर खा रहे हैं, आप ये कर लीजिए, देश जो है एक महीने में बदल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी, आपने एक बात की, नई टॉपिक पे आपसे बात हुई, और आपसे बात करने का मतलब यही था कि आरएसएस को आप बहुत अच्छे तरीके से समझते, तो आपने कह दिया कि वहाँ से संदेश आता है कि सोचना बंद कर दीजिए, वही हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले अंक में दोस्तों, अगले अंक में फिर रविंदर जी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।